गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2017 रिलीज्ड मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में, जिसका नाम है स्लैपस्टिक। इस कहानी की शुरुआत होती है जेसिका नाम के लड़की के साथ, जो अपने जिंदगी को लेकर बहुत ही नाखुश है और उससे भी ज्यादा अपसेट है अपने पेरेंट्स को लेकर। क्यों ना हो, आखिर मिला ही क्या है बेचारी को। हर दिन उसकी नींद टूटती है अपने नेबर्स पेटरसन फैमिली के आवाज से। हर दिन कोई ना कोई ओकेशन लगा ही रहता है उनके घर, स्पेशली उनकी बेटी पेट्रिशिया को लेकर। कितना प्यार करते हैं वो उससे, हमेशा उसे पैम्पर करते रहते हैं। अगर कोई चीज उसे पसंद आ जाए तो उसके एक बार मांगते ही उसके सामने लाकर हाजिर कर देते हैं। जेसिका की तरह बार 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 बेक करना नहीं पड़ता। जैसे आज उसकी बर्थडे है और जेसिका देख पा रही है पेट्रिशिया को उसकी मनपसंद गिफ्ट मिल चुकी है, जो कि है एक शू। काफी फैशन में है आजकल और स्कूल में सारे लड़कियां भी इसी को लेकर बातें करते रहते हैं। किसको पहले मिले इसी का कंपटीशन लगा रहता है। इवन जेसिका ने भी अपने माँ से कहा था, मगर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि एक मामूली सी जूते के लिए इतना पैसा खर्च करना उन्हें ठीक नहीं लगा। जेसिका बात को समझ तो लेती है, लेकिन आज वही जूते पेट्रिशिया को पाते देख बहुत खराब लगता है उसे। हाँ, उसे पता है कॉस्टली है, मगर उसके लिए इतना नहीं कर सकते उसके पेरेंट्स। इतने कंजूसी करने की क्या जरूरत है। अचानक ही बहुत डिसअपॉइंटेड फील करने लगती है जेसिका। ऊपर से जब वो किचन में जाती है तो अपने पेरेंट्स की अजीबोगरीब हरकतें देखकर उसका माथा और गर्म हो जाता है। असल में उसके पेरेंट्स काफी हंसमुख किस्म के इंसान हैं। हमेशा ही आपस में मजाक मस्ती चलता रहता है उनका। इस उम्र में भी बच्चों की तरह परेशान करते रहते हैं एक दूसरे को। अजीब गरीब कपड़े पहनकर एक दूसरे को हंसाते रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बाहर वाला क्या सोचते हैं उनके बारे में। यही उनका लव लैंग्वेज है और इसी के कारण शायद उनका प्यार अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन जेसिका को ये सब ठीक नहीं लगता, बहुत वियर्ड लगता है, इरिटेशन फील होता है वो सब देखकर। क्या कभी एक पल के लिए भी वो सीरियस नहीं हो सकते, नॉर्मल नहीं हो सकते बाकी फैमिलीज की तरह। दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स तो अपने आप में बहुत खुश थे, सेटिस्फाइड थे। उनके पास एक खुशहाल जिंदगी है, इतना अच्छा परिवार है और एक दूसरे से इतना प्यार है, तो उन्हें और क्या चाहिए। वो जेसिका को भी यही समझाने की कोशिश करते रहते हैं, मगर शायद एक 16 साल के लड़की के लिए लाइफ की इतनी बड़ी फिलोसफी हजम कर पाना आसान नहीं था। उसे तो बस सबकी तरह बनना था, कॉमन नॉर्मल, जिससे वो लेफ्ट आउट फील ना करे। मगर उसके पेरेंट्स उसके भावनाओं को समझे तब ना। हर रोज की तरह आज भी नींद से जागते ही उसकी माँ एक स्मूदी का ग्लास थमा देती है उसके हाथ में, जबकि उन्हें पता है इस समय जेसिका को मार्शमेलो की क्रेविंग होती है। और जब वो उन्हें फिर से अपने जूते के बारे में याद दिलाती है तो उसकी माँ फिर से मना कर देती है। यहाँ तो जैसे उसकी परवाह ही नहीं है किसी को, हमेशा बस उनका ही चलता है। कुछ मांगो तो जवाब में सिर्फ ना, और कुछ पूछने जाओ तो उसके पापा की बड़ी बड़ी लेक्चर। तंग आ चुकी थी जेसिका। ऐसे में अचानक ही उसे याद आता है नेक्स्ट डे उन्हें एक पार्टी में जाना है, वो भी पेट्रिशिया के घर। हर साल उनके घर ये गेट टुगेदर अरेंज किया जाता है और हर साल जेसिका के पेरेंट्स वहां ना जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। असल में उस घर का माहौल कुछ ज्यादा ही फॉर्मल है, किसी सरकारी मीटिंग की तरह। उन्हें वहां घुटन महसूस होती है। लेकिन जेसिका को कुछ सुनना नहीं था, उसे जाना था वहां। असल में पेट्रिशिया सिर्फ उसकी नेबर ही नहीं, उसकी क्लासमेट भी है और उसके क्लास में सबसे फेमस लड़की भी। सभी उसके फ्रेंड ग्रुप में शामिल होना चाहता है, तो जब जेसिका के पास ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है तो वो उसका इस्तेमाल क्यों ना करे, उसे भी कूल दिखना है। एक बार पेट्रिशिया उसे अपनी दोस्त मान ले तो वो भी फेमस हो जाएगी। उसे तो बस एक मौका चाहिए पेट्रिशिया को इम्प्रेस करने का। लेकिन उसके पेरेंट्स उसके हर पॉसिबल मौके पर पानी फेंक रहे थे। जैसे उसी दिन जब वो सभी शॉपिंग पर निकले थे तो जेसिका को एक सरप्राइज गिफ्ट मिलता है, एक शू। जेसिका तो बॉक्स देखकर ही खुश हो जाती है, ये सोचकर कि उसके माँ ने फाइनली उसके लिए वो फेमस जूते खरीद ही लिए। लेकिन वो खोलने पर उसे पता चलता है ये तो है, वो है ही नहीं, उसका सस्ता कॉपी है जो दिखने में बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं है। मगर जेसिका कुछ भी करके अपने माँ को ये बात समझा नहीं पाती। ऊपर से वो सबके सामने उसे वो जूते पहनकर कैटवॉक करने पर भी मजबूर करती है। भले ही ये उसे चेयर अप करने के लिए था, मगर वो समझ नहीं पाते आसपास के लोग उन्हें देखकर हंस रहे हैं, जिनमें पेट्रिशिया और उसके दोस्त भी शामिल थे। वो तो उसके जूते को लेकर टॉन्ट भी मारते हैं कि इतने सुंदर शूज उसे कहां से मिले।
जेसिका के पिता डेल उनका मजाक समझ नहीं पाते। वो उन्हें सच में उस दुकान का नाम, एड्रेस और उस जूते की कीमत सब कुछ बता देते हैं, साथ में ये भी कि वहाँ सेल भी चल रही है, तभी तो इतने कम प्राइस में उन्हें इतने अच्छे जूते मिल गए। उनके बातों से वो लड़कियाँ और जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और डेल को लगता है वो लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो तो खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे उनकी बातें अच्छी तरीके से समझ पा रही थी, वो शर्म से लाल हो चुकी थी। अभी पूरे स्कूल को पता चल जाएगा उनके बारे में और सभी उसका मजाक बनाएंगे और लोनली हो जाएगी वो। आखिर जरूरत क्या थी ये सब करने की और कितनी बार उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा उनके लिए। गुस्से में खुद को और संभाल नहीं पाती जैसिका, बहुत कुछ बोल देती है अपने पेरेंट्स को और फिर अकेले कुछ वक्त बिताने के लिए बीच पर चली जाती है। वहां तब एक पपेट शो चल रहा था, काफी सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे। जैसी भी बैठ जाती है उनमें और शो का मजा उठाने लगती है। वैसे शो का टॉपिक बहुत मजेदार था, दो पपेट्स थे मिस्टर एंड मिसेस और वो लोग बिल्कुल मियाँ बीबी की तरह ही झगड़ रहे थे जैसे कोई रियल पर्सन हो। जेसी को बड़ा मजा आता है देखकर, बट अनफॉर्चुनेटली उसके पास कोई पैसे नहीं था। इसीलिए जब शो खत्म होने के बाद एक लड़का आता है उसके पास और कहता है इस शो का पपेट मास्टर मिस्टर ब्लैक टीथ उससे मिलना चाहते हैं, जेसी थोड़ा डर जाती है, पता नहीं क्या कहेंगे। लेकिन जब वो वहां जाती है उसे अपने सामने एक पपेट ही दिखता है और सरप्राइजिंगली जेसी को देखते ही वो समझ भी जाते हैं कि वो परेशान है और बड़े ही आसानी से उसका प्रॉब्लम भी गेस कर लेते हैं। जेसी हैरान तो होती है मगर उसे उस पपेट से बात करने में काफी अजीब लग रहा था, थोड़ा क्रीपी भी। तो वो वहां से निकलने की कोशिश करती है मगर मिस्टर ब्लैक टीथ की बात तब भी कंप्लीट नहीं हुई थी। वो जेसी को एक अजीब प्रपोजल देते हैं, कहते हैं उनके पास एक तरीका है जिससे जेसी अपने पेरेंट्स को कंट्रोल कर सकेगी, उसकी हर बात मान लेंगे वो, उसे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने माथे पर अपने हाथ से 3 बार पैट करना है और कहना है दिस इज द वे टू डू इट। काम तो आसान था मगर क्या जेसिका कर पाएगी? मिस्टर ब्लैक टीथ लिटरली उसे चैलेंज कर रहे थे और जोर जोर से उस पर हंसने लगे थे। जेसी से और बर्दाश्त नहीं होता, एक स्टूपिड सी बात को लेकर ये इतना क्या उछल रहा है। तो उन्हें चुप करवाने के लिए ही वो उनकी बात मान लेती है और उन्होंने जैसा कहा था ठीक वैसे ही परफॉर्म भी करती है। इससे मिस्टर ब्लैक टीथ का चैलेंज तो वो जीत लेती है मगर उसकी हंसी वो रोक नहीं पाती, वो और जोर जोर से हंसने लगा था। मगर हाँ, इस हंसी का टोन अलग था, ऐसा लग रहा था जैसे चैलेंज जेसी ने नहीं उन्होंने जीता हो। जेसी को ये सब और अच्छा नहीं लग रहा था तो वो घर आ जाती है और अपने कमरे में सो जाती है, निकाल फेंकती है उस अजीब सी बात को अपने दिमाग से। मगर उसे कहाँ पता था वो छोटा सा हादसा ही उसके जिंदगी को कम्प्लीटली बदल देगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी नींद टूटती है उसे अपना घर बहुत शांत लगता है, कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था आसपास जो कि बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि जनरली इस वक्त तो उसके पेरेंट्स के अजीबोगरीब जोक्स और उनकी जोर जोर से हंसी की आवाज पूरे घर में गूंजने लग जाती थी। किचन में जाने पर भी जैसे को कोई नहीं दिखता, उसके माँ ने अभी तक ना कोई ब्रेकफास्ट रेडी किया था ना कोई इरिटेटिंग स्मूदी, जो भी काफी अनयूजुअल था, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। फाइनली जब जेसी उनके कमरे में जाती है तब असली झटका लगता है उसे, पता चलता है वो लोग तो अभी तक सो रहे हैं मगर उनकी आंखें खुली हैं, ऐसे वो कोई प्रैंक है। जेसी को लगता है कल उसने जो झगड़ा किया था इसीलिए शायद गुस्सा है ये लोग, तो वो उन्हें मनाने के लिए बहुत कुछ कहती है मगर वो किसी भी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। फाइनली जब जेसी ब्रेकफास्ट की मांग करती है तब जाके दोनों बिस्तर से उठते हैं, वो भी एक साथ, ऐसे वो कोई इंसान नहीं कमांड पे चलने वाले पपेट्स हो, कमांड पे चलने वाले पपेट्स हो। ऊपर से जेसी को वही ब्रेकफास्ट भी मिलता है जो उसे चाहिए था, ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ उसके साथ। जेसी को तो समझ नहीं आता आज एक के बाद ये मिरेकल कैसे हो रहा है, उसके पेरेंट्स बिना कुछ कहे उसके हर बात मान रहे हैं, आज तक उसके माँ ने उसे कोई स्मूदी भी नहीं दिया, बहुत अजीब बात है। उनकी ओबीडियंस चेक करने के लिए जेसी और तो टेस्ट देती है उन्हें, अपने पापा से कहती है एक फॉर्मल ट्राउजर पहनने के लिए और अपने माँ से कहती है मार्शमेलोस खाने के लिए। सरप्राइजिंगली वो दोनों एग्जैक्टली ऐसा ही करते हैं बिना कुछ कहे, जबकि ये उनका सबसे नापसंद काम था। फाइनली जेसिका को भी यकीन हो जाता है कि ये लोग कोई प्रैंक नहीं कर रहे, सच में ही कुछ हुआ है उनके साथ। अचानक ही एक थॉट हिट करती है उसे, कहीं सबका कनेक्शन कल के उस हादसे से तो नहीं, ये लोग तो सच में ही पपेट्स की तरह बर्ताव कर रहे हैं। जैसे ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा भी कोई दिन आएगा उसके जिंदगी में, लेकिन अब जब आ ही गया है तो उसका फायदा भी उठाया जाए।
वो सबसे पहले उन्हें पार्टी के लिए रेडी करती है, अपने हिसाब से उन्हें ड्रेसअप करती है जिससे लाइफ में पहली बार वो दोनों क्लासी लग रहे थे। और तो और वो अपने लिए भी वही शूज खरीद लेती है जिसकी मन्नत उसने पिछले कई महीनों से करी थी। साथ ही साथ पार्टी में कैसे बिहेव करना है उसका भी कमांड दे देती है वो। यूजुअली हर पार्टी में उसके पापा ऐसे ऐसे जोक्स क्रैक करते हैं कि सभी हंसने लग जाते हैं, ऐसे वो कोई जोकर हो। जेसी को बहुत एम्बेरस्ड फील होता है और उसकी माँ वो भी कुछ कम नहीं, वो भी अपने लेडीज ग्रुप में हर गॉसिप पर इतनी जोर जोर से हंसती है कि घर के बाहर से भी सुनाई देती है। जेसी चाहकर भी कभी उन्हें बदल नहीं पाई, समझा नहीं पाई कि लोग उनके जोक्स पर नहीं बल्कि उनके हरकतों से उन पर हंस रहे हैं। लेकिन आज कंट्रोल उसके हाथ में है, वो उन्हें स्ट्रिक्ट ऑर्डर देते हैं ये सब कुछ भी ना करने का, बाकी सभी की तरह नॉर्मल बिहेव करना है उन्हें। जेसी बहुत एक्साइटेड थी कि एटलीस्ट आज के पार्टी में कुछ गड़बड़ नहीं होगा, वो भी शायद पेट्रिशिया को इम्प्रेस कर पाएगी। उनके घर में घुसते ही वो इस कोशिश में भी लग जाती है, तब भी पेट्रिशिया की कोई दोस्त आ नहीं पहुंची थी इसीलिए वो चली जाती है उसके साथ किचन में उसकी मदद करने। बातों बातों में वो उसे पूछती भी है कि जबकि वो नेबर्स है तो क्या वो दोनों आज के बाद से एक साथ स्कूल जा सकते हैं, उसके लिए वही काफी था। मगर पेट्रिशिया डायरेक्टली मना कर देती है जो कि काफी रूट था, जेसी के साथ चलने से उसका रेपुटेशन जो खराब हो जाएगा। लेकिन जेसी नोटिस करती है पेट्रिशिया की माँ तो उससे भी ज्यादा रूट है और कंट्रोलिंग भी, एक छोटी सी बात पे ही बहुत डांटती है वो पेट्रिशिया को, वो भी सबके सामने, उसके पेरेंट्स तो कभी ऐसा नहीं करते। इसके बाद जेसी की नजर पड़ती है उनके कुछ फोटोज के ऊपर। सरप्राइजिंगली वहां इतने सारे फोटोज थे, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग कपड़ों में, मगर हर फोटो में एक बात कॉमन थी, किसी भी फोटो में किसी के भी चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी, भला वैकेशन पर कौन इतना सीरियस रहता है। अचानक ही एक चीज रियलाइज करती है जेसिका कि वो इतने सालों से जिस लड़की को, जिस परिवार को आइडलाइज करती रही वो तो अंदर से खोखला है। इनकी खुशी हंसी कुछ भी नेचुरल नहीं है, सब कुछ एक दिखावा है बस, यहाँ सच में अंदर से कोई खुश नहीं है। साथ ही साथ जेसिका की एक और गलत फहमी भी टूट जाती है उसी पार्टी में, जब वो उसके पापा के एक दोस्त को देखती है उनके साथ बात करने की कोशिश करते हुए। वो भी इक्वली बोर हो रहे थे, यहाँ हर साल इस पैटरसन फैमिली की पार्टी अटेंड करना उन्हें भी टॉर्चर लगता है। इवन वो तो ये तक कहते हैं कि वो बस डेल के भरोसे यहाँ आते हैं क्योंकि ऐसे मौकों पर तो बस डेल की जोक्स ही काम आते हैं। इससे जेसी को इतना तो समझ आ जाता है कि वो अपने पेरेंट्स को जितना अनवांटेड, जितना इरेलेवेंट और जितना अनसोशल समझती थी, असल में वो थे नहीं। उनका ट्रू नेचर सबको खुश करता था, इसीलिए ही तो लोगों को उनकी कंपनी पसंद आती थी। मगर आज उसी डेल का मुंह सिल दिया था उसने, अपने दोस्त के साथ एक भी बात नहीं करते वो, बस जेसी ने जैसे कहा था एक छोटा रोबोटिक नॉड और एक फेक स्माइल देते हैं जिससे उनके दोस्त को लगता है डेल उन्हें इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खराब लगता है जेसी को, उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर से पेट्रिशिया के सारे दोस्त के आते ही वो भी अपने असली रूप में आ जाती है और उनके सामने खुद को कूल प्रूफ करने के लिए फिर से जेसी को नीचा दिखाने में लग जाती है, इवन उस पर सॉस भी फेंकती है। इससे सारे लड़के हंसने लग जाती है और साथ में उसकी माँ भी, क्योंकि जेसी ने उन्हें ऑर्डर जो दिया था जब सभी हंसे सिर्फ तभी उन्हें हंसना है। ये सब इतना एम्बैरेसिंग था कि जेसी उसी वक्त अपने पेरेंट्स को लेकर घर वापस आ जाती है। उसे समझ आ चुका था वो लोग जैसे हैं दूसरे से बहुत बेहतर है, इस घर में पेट्रिशिया से तो ज्यादा सम्मान है उसका। उसके पेरेंट्स कभी इंटेंशनली उसे ह्यूमिलेट नहीं करते, ना सबके सामने कभी इंसल्ट करते हैं उसे, वो तो उनका जीने का तरीका है जो जेसी कभी समझ नहीं पाई। उनके अफेक्शन में कोई दिखावा नहीं है, वो लोग सच में ही खुश है। अपने रियल फैमिली को अचानक बहुत मिस करने लगती है जेसी, वो अपने पापा से गले मिलना चाहती थी मगर उनके हक में वो वाली बात नहीं थी। हालत तो ऐसी हो चुकी थी कि उसे अपने माँ का बनाया हुआ वो भद्दा सा स्मूदी भी याद आने लगा था। वो उसे कहती भी है वैसा ही कुछ बनाने के लिए, किसी सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाकर उसे सरप्राइज देने के लिए जैसे वो पहले दिया करती थी। मगर इस वाली माँ को तो वो भी नहीं पता था, वो उल्टा उसी से पूछने लग जाते हैं उसे बनाते कैसे हैं, और सहन नहीं होता जैसे से। वो उन्हें पहले जैसे हो जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो तो समझ नहीं पाते जैसे क्या बोल रही है। जैसे को तब याद आता है क्यों ना वो वही रिचुअल परफॉर्म करे जिससे उनकी ये हालत हुई थी, शायद उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो करती भी है मगर उसका कोई असर नहीं होता, कहीं कुछ भी नहीं बदलता, उसके पेरेंट्स वैसे ही पपेट्स की तरह बैठे रहते हैं रात भर।
और जेसी को पहली बार एहसास होता है कितनी बड़ी गलती हो चुकी है उससे। उसे कुछ भी करके अपने रियल पेरेंट्स को वापस लाना ही होगा। अगले दिन सुबह होते ही वो निकल पड़ती है फिर से उसी बीच की तरफ मिस्टर ब्लैक टीथ को ढूंढने, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता। कल ही उनका यहाँ पर लास्ट शो जो था। जेसी तो बहुत डर जाती है, लेकिन फॉर्चुनेटली एक पोस्टर पर नजर पड़ जाती है उसकी। ये भी उसी शो का पोस्टर था जिस पर लिखा था आज का शो एक दूसरे बीच पर होने वाला है। जेसी और देर नहीं करती, साइकिल भगाती है उस तरफ, लेकिन वहां भी जब उसे कुछ दिखाई नहीं देता वो बहुत डर जाती है और मोस्ट रोने लग जाती है। मगर तभी कहीं दूर से उसे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जो उसी शो का था। जेसी उसे फॉलो करती है और जा पहुंचती है उस टेंट के सामने। वहां रोज की तरह आज भी एक कपल परफॉर्म कर रहे थे, जिन्हें ध्यान से देखने पर जेसी को समझ आता है ये तो उसके पेरेंट्स हैं। वो वही सब कुछ कर रहे थे जो घर में रेगुलरली किया करते थे, वही नोकझोंक, वही वियर्ड जोक्स और वही हंसी मजाक। जेसी को तो देखकर रोना आ जाता है और शो खत्म होते ही वो जेसी से मदद भी मांगते हैं, उन्हें यहाँ से आजाद करने के लिए कहते हैं। जेसी भी उनसे प्रॉमिस करती है कि कुछ भी करके वो उन्हें यहाँ से आजाद जरूर करेगी, मगर उसका तरीका आसान नहीं था। मिस्टर ब्लैक टीथ ऐसे ऐसे पहलियों में बात कर रहे थे कि इनिशियली जेसी तो कुछ समझ ही नहीं पाती। फाइनली उसे वहां वही लड़का दिखता है जो उस दिन इस शो को होस्ट कर रहा था, और आज वही जेसी को पूरी सच्चाई से रूबरू करवाता है। वो बताता है ये मिस्टर ब्लैक टीथ असल में आत्माओं के सौदागर है। उनके पास ये जो पपेट्स है ये सिर्फ कोई डॉल्स नहीं, कभी ना कभी किसी रियल इंसान की सोल बसते थे इनके अंदर। जब उस दिन जैसे पहली बार इस शो को देखने आई थी तब जो कपल परफॉर्म कर रहे थे वो असल में इस लड़के के पेरेंट्स थे। मिस्टर ब्लैक टीथ ने जैसे की तरह उसे भी अपनी बातों के जाल में फंसाकर उसके पेरेंट्स के सोल पर अपना कब्जा कर लिया था। उसके पेरेंट्स ह्यूमन पपेट्स में कन्वर्ट हो गए थे और उनकी सोल्स यहाँ पर इन वुडन डॉल्स में कैद हो चुके थे। उसके एक छोटी सी गलती के वजह से कितना कुछ भुगतना पड़ा उसके पेरेंट्स को। फाइनली जेसी के आने से उसे वो गलती सुधारने का मौका मिला, क्योंकि इस कर्ज से निकलने का बस एक ही तरीका है, इसे दूसरे पर पास ऑन करना, जैसे उसने जेसी पर किया था। उस दिन जेसी के रिचुअल परफॉर्म करते ही उसके पेरेंट्स बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। मगर ये शो कभी बंद नहीं हो सकता, यहाँ पर हमेशा ही किसी न किसी पपेट को नाचना होगा। अभी अगर जेसी उसके पेरेंट को आजाद करना चाहती है तो उसे भी कोई अपने जैसा ढूंढना होगा जो अपने पेरेंट्स से परेशान है, उन्हें कंट्रोल करना चाहता है। यही नियम है और भले कितना ही गलत क्यों ना लगे जेसी को भी यही करना पड़ेगा, और कोई वे आउट नहीं है। बेचारी जेसी भी क्या करती, उसे मानना ही पड़ता है और उसी दिन से वो भी इसी तलाश में लग जाती है। बट फॉर्चुनेटली उसे ज्यादा वेट करना नहीं पड़ता। उसी दिन शो के चलते एक लड़का नजर आता है उसे, उसी की उम्र का होगा, वो भी बिल्कुल उसी की तरह अपने पेरेंट्स से लड़ रहा था। उसमें एक पोटेंशियल विक्टिम नजर आता है जेसी को। क्या जेसी उसे कन्विंस कर पाएगी, उसे बलि का बकरा बनाकर अपने जिंदगी को फिर से नॉर्मल बना पाएगी? इस सवाल का जवाब हमें पता नहीं चलता, क्योंकि यहीं पर यह स्टोरी एंड हो जाती है। जेसी अपनी गलती को सुधार पाएगी या नहीं वो शायद हमें पता नहीं चलता, मगर एक बात तो तय थी कि ये कर्ज रुकने वाला नहीं है। मिस्टर ब्लैक टीथ का शैतानी फंदा हमेशा ही अपना जाल बिछाता रहेगा, भला शिकार की कमी थोड़ी ना है। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।